हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसमें बोला है कि गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। जर्नल एंट्रीज हम चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं। तो गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट में ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुकी है उस पोस्टिंग की मदद से, इस पोस्टिंग की हेल्प से आप लोगों को जर्नल एंट्रीज यहाँ पे देनी है, फ्रेम करनी है। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इन द बुक्स ऑफ सोपन यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री देनी होगी, जहाँ पे ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैश का लेजर अकाउंट दिया हुआ है, परचेसेस का लेजर अकाउंट दिया हुआ है एंड जयश्रीज लेजर अकाउंट दिया है। तो अभी इन्हीं में से आपको मैच करना होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये जो यहाँ पे इसके जो बैलेंसेस है उनको आप मैच करोगे। ये कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बनेगी एंट्री। देखिए क्या क्या एंट्री बनती है आपको, है ना, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन की जर्नल एंट्री नहीं बनानी होती है, उसके अलावा बाकी सबकी जर्नल एंट्री बनती है। तो यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके आप लिखोगे 700 की एंट्री, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेट के हिसाब से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फेब्रवरी को, है ना, फेब्रवरी को टेलीफोन चार्जेस अकाउंट दिया है, तो फेब्रवरी 5 को, पहले हम ना हमको फेब्रवरी 3 का हमने लिख लिया, हमको लिखना है फेब्रवरी 3 का। डेट के ऑर्डर में जाएंगे, फेब्रवरी 3 का कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके हम 700 की एंट्री दिखा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो एंट्री आएगी उसमें हम 5 तारीख को आ रही है तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दिखा देंगे। और उसके बाद में 6 तारीख की एंट्री आ रही है कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 600 की एंट्री दिखा देंगे। उसके बाद में देखिए 6 तारीख के बाद, है ना, 8 तारीख आ रही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्रीज अकाउंट 1500 हम प्रेजेंट कर देंगे। और फिर 9 तारीख की एंट्री है उसमें हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 की एंट्री हम प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारे के सारी जो जर्नल एंट्रीज है ना आप लोगों के यहाँ पर सारी की सारी जर्नल एंट्री, इसकी कैश में से आपने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज बन सकती थी वो बनाई। यहाँ पे आप आगे देखोगे कि भाई परचेसेस अकाउंट में क्या दिया है, तो ये तो है ना परचेसेस अकाउंट की ऑलरेडी 800 रुपए की परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 की हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे एंट्री, तो इसको फिर से हमको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आया था परचेसेस टू कैश करके, तो ऑलरेडी एक बार ये एंट्री बन चुकी है, तो हमको फिर से 9 तारीख की एंट्री नहीं बनानी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जयश्री के इसमें, देखिए जयश्रीज अकाउंट में यहाँ पे दिया है फेब्रवरी को, फेब्रवरी 15 को, है ना, जयश्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की 5000 की एंट्री बनती है, तो पहले हमको ये है ना 15 तारीख को ये फिट करनी होगी एंट्री कि जयश्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 की एंट्री हम फिट करेंगे अपने जर्नल जर्नल इसमें इन द बुक्स ऑफ जर्नल। इसकी किसकी जर्नल बना रहे हैं हम, सोपान की जर्नल में हम इसको एंट्री को दिखाएंगे। तो बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं आप लोगों को ये सारी जर्नल एंट्रीज फ्रेम करके दिखाने वाली हूँ। और साथ ही उसका फिर हमको नरेशन भी लिखना जरूरी होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशन होना कंपल्सरी है, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कंपल्सरी है। तो आइए हम, है ना, इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है, तो एक 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 जर्नल एंट्रीज हम कैसे बनाएंगे तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कैश अकाउंट दिया गया है, मतलब ये कैश अकाउंट है, ये अब जितने भी डेबिट साइड में हमको दिए हुए बैलेंस ब्रॉट डाउन को छोड़कर, बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम नहीं लेंगे, बाकी जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन है जैसे टू सेल्स टू इंटरेस्ट एंड टू जयश्री, तो ये सबका हम, है ना, कैश अकाउंट डेट के वाइज यहाँ पे मूव करेंगे। तो 3 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हम रिकॉर्ड करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि ये टू सेल्स कभी भी जर्नल एंट्री में, है ना, क्रेडिट में आता है, इसीलिए यहाँ पर, है ना, जो हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, जर्नल एंट्री बहुत इजी है कि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू हमको सेल्स लिखना है 3 तारीख को, और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन को कभी भी हम लोग, है ना, जर्नल एंट्री उसकी फ्रेम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम, सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है, होप आप लोगों ने भी फॉर्मेट रेडी रखा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2019 और यहाँ पर हम डेट लिख लेंगे भाई कौन सी तारीख की बात है ये, तो ये फरवरी की बात है, फरवरी महीने की, फरवरी में कितनी तारीख को, तो 3 तारीख को हम अब यहाँ पे 3 तारीख को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा भाई कैश अकाउंट, ये हुआ यहाँ पर डेबिट, कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट है वो हम लिखेंगे कि 700 रुपया सेल्स वाला,
टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर हम क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट, यही इसका पैटर्न होता है लिखने का, क्योंकि जब है ना जर्नल से लेजर में जाती है तो ये क्रॉस साइड में जाती है, जो यहाँ पे क्रेडिट में दिखती है हमको जर्नल में एंट्री, वो जब लेजर में जाती है तो वो है ना डेबिट साइड में आपको अपीयर करेगी, वहां पर दिखाई देगी। तो टू सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे 700, ठीक है। तो ये जैसे कि भाई कैश रिसीव हुआ तो इनकम हो गई ना, रिसीव हुआ ये पैसा रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं, सेल्स अकाउंट ये इनकम अकाउंट है और इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अभी यहाँ पे हम नरेशन भी हमको लिखना जरूरी है, बींग गुड्स, नरेशन में लिखेंगे बींग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो आई होप यहाँ पे आपको पता चल गया है कि किस तरीके से आपको एंट्री को लिखना है, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में खाली हम है ना लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेपरेट करने के लिए एंट्री को। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे हुई कौन सी तारीख की बात है, तो यहाँ पे देखिए अब है ना हम 3 तारीख के बाद में हम मूव करेंगे 5 तारीख पे, हम 6 पे नहीं जाएंगे, हम पहले मूव करेंगे 5 तारीख पर। और अब ये क्रेडिट साइड में है तो आपको ध्यान में रखना है भाई, जब है ना लेजर में पोस्टिंग होती है जर्नल से तो क्रॉस में एंट्री जाती है, इसका मतलब है ना ये जो क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ ट्रांजेक्शन है, ये टेलीफोन चार्जेस ये वैसे भी एक्सपेंसेस है तो इसको हमको डेबिट में लिखना है, जर्नल एंट्री में इसको हम क्या लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे। तो वहां पर जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको 5 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 तारीख की डेट में हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा तो 750 रुपीज, 750 रुपीज। और इसके नरेशन में फिर हम क्या लिखेंगे, तो नरेशन में हमको लिखना है बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड, बिंग ये एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस पेड, इस तरीके से आपको लिखना होगा। एंट्री को क्या कर देंगे हम सेपरेट कर देंगे, उसके लिए हमको क्या करना होगा ट्रांजेक्शन को सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलर्स में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी डेट आती है, 5 तारीख के बाद अभी है ना यहाँ पे कौन सी डेट है, तो 6 तारीख को, 6 तारीख का भी हमको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इस तरीके से जर्नल एंट्रीज की फ्रेम करेंगे लेजर के हेल्प से कि कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर 6 तारीख को हम लिखेंगे, 6 तारीख को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसका मतलब भाई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और इंटरेस्ट इनकम है इसीलिए उसको क्रेडिट में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 600, तो 600 हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे 600। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट, क्योंकि जब इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तभी हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, लेजर अकाउंट में वो डेबिट में दिखाई देगा क्योंकि लेजर में क्रॉस में जाता है, टीओ टू वाले डेबिट साइड में जाता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जाता है बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ट्रांजेक्शन मतलब जर्नल एंट्री आपको है ना विद द हेल्प ऑफ लेजर आपको जर्नल एंट्री फ्रेम कर लेनी है। और यहाँ पे आपको वैसे तो बेसिकली है ना प्राइम बुक है ना वो जर्नल ही होता है, जर्नल एंट्री से ही हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से है ना जर्नल एंट्री से लेजर होता है। तो इसका मतलब जब आप वापस बैक करते हो लेजर की तरफ जाते हो तो कैसे आप है ना लेजर से जर्नल की तरफ जाते हो तो कैसे जर्नल एंट्री आप विद द हेल्प ऑफ लेजर प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ अगला जो ट्रांजेक्शन है वो कितने तारीख का है जरा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए
छह तारीख को ये हो गया ट्रांजेक्शन, छह के बाद में यहाँ पे नौ है, यहाँ पे आठ है, तो आठ तारीख को है ना, यहाँ पर आठ तारीख को हम कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्रीस अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्रीस अकाउंट हमको 1500 हमको रिकॉर्ड करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्रीस अकाउंट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल एंट्री बना लेते हैं, तो यहाँ पे जर्नलाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो यहाँ पर हम है ना कितने तारीख को, आठ तारीख को हम लिखेंगे भाई, आठ तारीख को है ना कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है ना जयश्री ने कैश पेमेंट किया है, कैश दिया है, तो हमको कैश रिसीव हुआ है, सोपान को कैश रिसीव हुआ है टू यहाँ पर जयश्रीस अकाउंट, टू जयश्रीस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट है 1500, 1500 डेबिट में और क्रेडिट में करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है, सेम अमाउंट होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, सेम ट्रांजेक्शन का। फिर यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश रिसीव्ड, इसका मतलब कैश रिसीव हुआ है सोपान को, तो यहाँ पे लिखेगा कि बिंग कैश रिसीव्ड, और किससे रिसीव हुआ है, तो रिसीव्ड फ्रॉम जयश्री, मतलब जयश्री ने परचेस किया होगा तभी कुछ, तो जयश्री बिंग कैश रिसीव फ्रॉम जयश्री, और इस तरीके से आपको लिखना है और ट्रांजेक्शन को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का, और धीरे धीरे दो तीन इस तरीके की सम्स करोगे तो अपने आप वैसे भी आ ही जाएगा, डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि थर्ड चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जर्नल का चैप्टर कर चुके हैं। अभी एट के आठ तारीख के बाद में कौन सा ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम आठ तारीख के बाद है ना नौ तारीख का ट्रांजेक्शन है, जिसमें है ना दिया है परचेसेस अकाउंट, तो परचेसेस अकाउंट बाय परचेसेस है, तो मतलब हमको डेबिट में लिखना है इसको, क्योंकि जो क्रेडिट का होता है उसको हम है ना जर्नल में डेबिट में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, मतलब परचेसिंग की सोपान ने 800 रुपये की, तो ये कैश परचेसिंग होगी ना, रोकड़ा में परचेसिंग की है इसका मतलब, तो इसीलिए कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंसेस है इसीलिए ये आ जाएगा डेबिट में रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे 9 तारीख को हम लिखेंगे कि भाई परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट कितने की परचेसिंग की, तो 800 रुपया टू कैश अकाउंट 800 लिखेंगे क्रेडिट में, कैश बिजनेस से बाहर चला गया, कैश गोज आउट हो गया, नरेशन में लिखा जाएगा बींग परचेस गुड्स फॉर कैश, इस तरीके से आपको नरेशन लिखना है, इजी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने है ना एक्यूरेसी आते जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा। फिर किसी भी टाइप का सम्स दो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो रूल पता है, नेम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, अमाउंट चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको नरेशन लिखना आता है, अगर आपको पता है कि भाई रूल क्या है, डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, कैसे है ना लेजर से हम है ना लेजर अकाउंट से कैसे हम जर्नल एंट्री फ्रेम कर सकते हैं, अगर उसका मेथड आपको पता है तो फिर डिफिकल्ट क्या है, नेम चेंज होने से थोड़ी ना डिफिकल्टी आने वाली है, ना ही नेम से डिफिकल्टी आएगी, ना ही अमाउंट के चेंज होने से डिफिकल्टी आएगी। नाउ नेक्स्ट अभी क्या है, तो हम चेक कर लेते भाई क्या क्या रह गया, तो अभी देखो कैश अकाउंट में से तो सारा जो भी होना था हमको, जिस जो भी जर्नल एंट्री फ्रेम करनी थी वो हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो ना तो ब्रॉड डाउन का अमाउंट लेंगे, ना ही हम कैरी डाउन का अमाउंट लेने वाले हैं, ये दोनों भी अमाउंट का हमें ना जर्नल एंट्री नहीं बनाते, कभी भी याद रखो, ये जो ब्रॉड डाउन वाला अमाउंट है इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो है ना क्लोजिंग में है, ये सीडी है वो क्लोजिंग में होता है, सीडी का जो है कैरी डाउन है वो क्लोजिंग में होता है, तो इसको हम नहीं लेते हैं, क्लोजिंग वाले अमाउंट को हम नहीं लेते हैं और ना ही ओपनिंग अमाउंट को लेते हैं। अब हम जरा चेक करेंगे परचेसेस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन बचा है क्या जिसकी हमने जर्नल एंट्री नहीं फ्रेम की, तो यहाँ पे देखो परचेसेस में है ना परचेसेस टू कैश, तो ये तो ऑलरेडी हमें ना फ्रेम कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए परचेसेस टू कैश हम 800 की एंट्री हम ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि ये तो क्रॉस एंट्री यहीं की है, कैश से यहाँ पे परचेस में है, परचेस में हम उसको कैश करके रिकॉर्ड करना है हमको,
अब यहाँ पे जयश्री के अकाउंट में भी जरा चेक कर लेते हैं। जयश्री के खाते में आप देखोगे तो जयश्री के खाते में डेबिट में आप क्रेडिट में देखोगे तो आपका कैश अकाउंट डेबिट 1500 का 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है। कैश अकाउंट डेबिट टू आपको जयश्री अकाउंट लिखना है तो वो ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे आपने लिख चुके हो कि कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट है ना, आपने 1500 की एंट्री दिखा दी है तो मतलब ये तो चलो ये हो गया। अब ये है ना क्लोजिंग बैलेंस तो हमको लेना नहीं है, यहाँ पे भी है ना परचेसेस में क्लोजिंग बैलेंस हमको लेना नहीं था, ओपनिंग बैलेंस का हमको लेना नहीं था, नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग हो जाता है। और यहाँ पे ये टू सेल्स अकाउंट देखिए जयश्री के अकाउंट में, जयश्री के लेजर अकाउंट में टू सेल्स दिखाई दे रहा है 5000 का, तो इसकी एंट्री है ना हमको बनानी पड़ेगी। तो ये कितने तारीख की एंट्री है, तो ये 15 तारीख को जयश्री की बुक में है ना, जयश्री अकाउंट में है 5000, तो हम जयश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 हमको लिखना होगा कि जयश्री को मतलब यहाँ पे ये उधार में दिया है। इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है कि जयश्री को सोपान ने उधार में माल दिया है, मतलब पहले तो कैश में बेचा था और अभी है ना उधार में दिया है, इसीलिए जयश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके है ना सोपान है ना रिकॉर्ड करने वाला है। तो ये हम लिख लेंगे कि भाई जयश्री अकाउंट डेबिट, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, खाली अभी 5000 की एंट्री एक बाकी रहेगी, फिर इसके साथ ये जो हमारा जर्नल है ये हम अमाउंट का टोटल कर लेंगे और ये वाला जर्नल हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अभी कितने तारीख को, 15 तारीख को, तो 15 तारीख को हम है ना रिकॉर्ड करेंगे, 15 तारीख को हम लिखेंगे भाई यहाँ पर परचेस यहाँ पे सेल्स किया है, तो जयश्री से अकाउंट डेबिट, जयश्री को सेल किया है इसीलिए जयश्री से अकाउंट डेबिट, जयश्री अकाउंट यहाँ पे डेबिट कितना 5000 का, मतलब ये क्रेडिट सेल्स हो गया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने डेटर का नाम रिकॉर्ड किया, जयश्री डेटर है सोपान की, उसने उसका नाम लिखा है, मतलब उसको उधार में ही दिया है 5000। इस तरीके से ये है ना जर्नल एंट्री बनेगी। और इसकी हमको क्या करना है, इसका हमको नरेशन लिखना है, तो नरेशन में लिखेंगे बिंग सोल्ड गुड्स टू जयश्री, इस तरीके से आपको लिखना है। और इसके बाद में क्विकली आपको टोटल कर देना है, यहाँ पे जर्नल का टोटल भी आपको दिखा देना है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए तो टोटल कर देना है इस जर्नल का। तो जब इसका टोटल करेंगे हम, तो यहाँ पे टोटल करने पे आपको 9350 आएगा। टोटल करके देखना, चेक करना, अभी ये छोटे से कैलकुलेशंस में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ फिलहाल, अभी आप टोटल करो, आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। 9350, यहाँ पर भी 9350, तो इस तरीके से आपका जर्नल का टोटल आ जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया है। आपको चाहिए तो आप इसके स्टार्टिंग से यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो और अच्छा रहेगा, आपका नॉलेज भी बना रहेगा और मैं क्या बोल रही हूँ वो भी माइंड में आपके फिट हो जाएगा। सो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।